अगली खबर गुना से आ रही है, जहां बमोरी तहसील के ग्राम फतेहगढ़ में गुंडों द्वारा मीट की दुकानें हटाने पर पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया गया। प्रार्थियों का कहना है कि हम लोग 8 साल से यहां मीट की दुकान लगाते आ रहे हैं। कल गुंडों ने रेंजर पर दबाव बनाकर जेसीबी मशीन की मदद से हमारी दुकानें हटवा दी। जब उचित कारण पूछा तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, जिसे दुकानदारों में काफी रोष है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वे सड़क किनारे ठेले पर अंडे और चिकन बनाकर बेचते हैं और अपना गुजारा करते हैं, जिसे गुंडों के दबाव के चलते तोड़ दिया गया। लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कलेक्टर से उचित कार्रवाई की मांग की है। गुना से कादिर खान की रिपोर्ट। मामला ये, हमारी दुकान लगी हुई थी और नियम कानून कायदे से लगी हुई थी और 8 वर्षों से हम वहाँ पे जमा हुए हैं। जो दुकानें कर रहे हैं हमारी, और ना मैं कोई सूचना दी ना कोई नोटिस दिया, हमारी दुकानें आके धड़ल्ले से आम आदमी ने और रेंज वालों ने मिलकर तोड़ दी। दुकान हमारी कल 3 बजे तोड़ी है। सुबह हम सब लोग इकट्ठे होकर आवेदन ले गए, थानेदार महोदय ने आवेदन भी ले लिया, लेकिन बोले दुकान तो हटाना। देखो, सीएम ने जो निर्देश जारी किए उन निर्देशों का पालन करते हुए अंडा मुर्गे की दुकान चला, बिल्कुल चला रहे थे। वीडियो भी हमारे पास, कड़वा दुकानें तोड़ दी, तोड़ कर मारपीट करी, धक्का मुक्का करे, पाँव में लगी हुई तो अचानक ही पहुंच गए थे। अचानक कोई सूचना नहीं दी अभी आप लोग थे तो इसके साथ प्रशासनिक टीम कौन सी थी? रेंज वाले थे, रेंजर साहब थे, उनके साथ 2-4 सिपाही थे और 100 नंबर गाड़ी थी, उसमें 2 सिपाही थे। फतेहगढ़ में 8 वर्षों से अंडे मुर्गे के जो शॉप लगे हुए हैं रोड से काफी दूर है। वन विभाग ने अचानक कार्यवाही की, चलो कोई बात नहीं, आपका जायज काम है, लेकिन वहाँ पर बाहरी गांव के व्यक्तियों ने लाठियों से आकर के इनकी दुकान तोड़फोड़ की। वहाँ प्रशासन मौजूद था, जाति सूचक गालियाँ दी और उसके उपलक्ष्य में आज हम थाना प्रभारी को आवेदन देने गए तो उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि उन्होंने या तो कोई बात की और उन्होंने कहा प्राप्ति दे के भगा दो इनको, और उनसे ये बोला है कि कुछ नहीं होगा, वहाँ पे दुकान नहीं लगने देंगे हम आपकी।